नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जो आपके साथ हमारी ये बातचीत चल रही है, ये चल रही है आपके मासिक राशिफल को लेके, यानी कि मंथली राशिफल जून 2022। और ये जो जून 2022 का मासिक यानी कि मंथली राशिफल है, पूर्ण रूप से लग्न राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। अब आप में से बहुत से दर्शकगण शायद ना जानते हो कि भाई लग्न राशि कैसे देखनी है, वो भी हम आपको बता रहे हैं, वो आप समझ लें। आप अपनी जन्म पत्रिका निकालें, खोलें, उसमें जो सबसे ऊपर आपको लग्न चार्ट दिखाई दे, यानी कि लग्न पत्रिका जिसको कहते हैं, वो आप देखें। वहाँ पर जो पहला घर होता है, सबसे फर्स्ट हाउस जिसको लग्न भाव कहते हैं, वहाँ पर जो भी नंबर लिखा है, मान लीजिए 3 लिखा है, तो अगर 3 लिखा है तो आपका हो गया मिथुन लग्न। तो जब हम मिथुन लग्न की बात करेंगे तो आपने उस मिथुन लग्न की प्रेडिक्शन को सुनना है और समझना है, इस तरीके से आपने देखना है। मैं समझता हूं कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। लेकिन अब जिस प्रकार के भी जातकों को परिणाम मिलते हैं मेरे प्रिय साथियों, ये जो परिणाम प्राप्त होते हैं, ये होते हैं ग्रहों के अनुसार, ग्रहों की स्थिति के अनुसार, कौन से ग्रह कौन सी राशि में किस नक्षत्र में बैठे हैं, किस ग्रह के साथ बैठे हैं, ये सारी चीजें देखने वाली होती हैं। उसी के आधार पर परिणामों का पता लगता है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस किस प्रकार के परिणाम मिलने जा रहे हैं, वो जिनकी चर्चा अभी हम आपके साथ करने जा रहे हैं। और ये पहले आपको बता दें कि अभी जो इस राशि की बात हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हम मिथुन लग्न के जो जातक हैं, जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं मिथुन लग्न राशि के, उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि आपको जून 2022 में किस प्रकार के परिणाम देखने में आएंगे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको ग्रहों की स्थिति से भी अवगत करा दें कि ग्रहों की स्थिति इस महीने जून 2022 में किस प्रकार की रहने वाली है। सबसे पहले आपको सूर्यदेव का बताएंगे कि सूर्यदेव जो अभी चार्ट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मिथुन लग्न का ही चार्ट है और सूर्यदेव और बुध ग्रह दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, जहाँ 2 लिखा हुआ है। और ये 2 जहाँ लिखा हुआ है, ये 12th हाउस है आपके चार्ट में, द्वादश भाव, यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं। लेकिन सूर्य जो हैं 15 जून को ये अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और यहाँ से ये निकलेंगे, बुध का साथ छोड़ेंगे और ये कहाँ जाएंगे, अपनी समराशि मिथुन में जाएंगे। यानी कि आप मिथुन लग्न के जो जातक हैं, जिनका लग्न भाव जहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ये वहाँ जाएंगे सूर्य 15 जून को। बुध की बात करें, बुध जहाँ पर आप बैठे देख रहे हैं, जहाँ 2 लिखा है वहीं बैठे हैं बुध, ये पूरे महीने यहीं पर बैठे रहेंगे। लेकिन क्योंकि ये अभी उल्टी चाल चल रहे हैं, लेकिन ये 3 जून को सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे, मार्गी हो जाएंगे और पूरे महीने ये यहीं रहेंगे। आगे बात करेंगे शुक्र ग्रह के विषय में। देखिए, अभी शुक्र और राहु को आप बैठा देख रहे हैं जहां पर 1 लिखा है और ये एकादश भाव यानी 11th हाउस है और शुक्र यहां बैठे हैं मेष राशि में, 1 का मतलब मेष राशि। लेकिन शुक्र भी 18 जून को अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और राहु अपने जो मित्र हैं इनका साथ छोड़ेंगे, मेष राशि से निकलेंगे और ये कहां जाएंगे 18 जून को, यहां से निकल करके अपने स्वयं की राशि वृषभ में जाएंगे, टॉरस में, जहां 2 लिखा हुआ है वहां चले जाएंगे और बुध के साथ इनकी युति बनेगी। बुध का साथ इनको मिलने वाला है 18 जून से। राहु की बात कर लें, राहु को आप जहां पर देख रहे हैं बैठा हुआ, जहां 1 लिखा हुआ है, ये पूरे महीने यहीं रहने वाले हैं। आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति के विषय में। गुरु बृहस्पति और मंगल दोनों जहां पर 12 लिखा हुआ है वहां बैठे देख रहे हैं आप, और गुरु का अपनी राशि है ये मीन राशि 12 जो है, यानी कि अपनी राशि में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं गुरु बृहस्पति, उदय और मार्ग की अवस्था में बैठे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, साथ में उनके परम मित्र मंगल बैठे हुए हैं और गुरु इसी घर में रहेंगे पूरे माह। मंगल उनके साथ जो बैठे हुए हैं उनके मित्र, ये 27 जून को यहाँ से निकलेंगे, गुरु का साथ छोड़ेंगे और ये अपनी राशि में जाएंगे अपने घर में जहाँ 1 लिखा हुआ है। जब ये वहाँ जाएंगे तो वहाँ पहले से ही राहु मौजूद है तो राहु का साथ इनको मिलेगा मंगल को, और ये साथ अच्छा नहीं माना जाता किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी लिहाज से, किसी भी एंगल से। ये इसके अशुभ परिणाम ही जातकों को देखने को मिलते हैं जब ऐसी स्थिति बनती है। तो ये 27 जून से ये योग बनेगा मंगल राहु का। बात करें शनि की, शनिदेव जो हैं जहाँ आप बैठे देख रहे हैं इस समय, जहाँ 11 लिखा है, शनि पूरे महीने यहीं पर रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और ये 11 जो है कुंभ राशि है,
जो उनकी अपनी राशि है, अपना घर है। लेकिन 4 जून को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, रेट्रोग्रेड पोजीशन पे आ जाएंगे ये शनिदेव। केतु जहां 7 लिखा देख रहे हैं आप, केतु वहां बैठे हैं पंचम भाव में, फिफ्थ हाउस में, अपनी मित्र राशि तुला में, ये तुला राशि है और ये भी पूरे महीने इस तुला राशि में पंचम भाव फिफ्थ हाउस में ही बने रहेंगे पूरे जून। तो ये ग्रहों की स्थिति है और इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको किस किस प्रकार के रिजल्ट्स डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में मिलने वाले हैं, इसकी बात हम आपके साथ करने जा रहे हैं। सबसे पहले करेंगे आपके प्रोफेशन को लेकर के, यानी आपका करियर, प्रोफेशन, व्यवसाय कैसा रहने वाला है इस महीने। तो मैं आपको कहना चाहता हूं प्रिय साथियों कि आपका जो व्यवसाय है या आपका जो प्रोफेशन है बहुत उत्तम रहेगा। किसी प्रकार की कोई परेशानी अगर आती भी है तो वो इस तरीके से रहेगी कि ऐसे आएगी और कब निकल गई आपको पता भी नहीं लगेगा। हाल तो परेशानियां आएंगी नहीं, और अगर आती भी हैं तो वो आजू बाजू निकल जाएंगी, आपको नहीं महसूस होगा कि कब आई और कब निकल गई। गुरु आपके लिए काम बहुत आसान कर रहे हैं और जिनका प्रमोशन नहीं हुआ है उनको प्रमोशन दिलवाएंगे ये। इनका पूरा कोशिश रहेगा क्योंकि यहां पर इन्होंने बहुत बड़ा राजयोग बनाया है और ये पंच महापुरुष राजयोग का एक हिस्सा है जो इन्होंने बनाया है यहां। और ये आपके कार्य क्षेत्र में व्यापार है, अगर आप कर रहे हैं तो व्यापार को बढ़ाएंगे आपके। आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, कोई ऐसी प्लानिंग है आपके पास तो कर डालें इस अवधि में जब तक गुरु बैठे हैं यहां। बहुत जल्दी से सफलता हासिल हो जाएगी आपको अपने काम में। और कोई भी जिम्मेवारी अगर आप एम्प्लॉई हैं आपको मिल रही है तो घबराना नहीं है। कोई भी बड़ा पद या जिम्मेदारी मिलती है पीछे नहीं हटना जिम्मेदारी से, और आप उसको लीजिए। अगर आप लेंगे तो उसको 100% मैं कहता हूँ जब तक गुरु बैठे हैं मीन राशि में यहाँ, आप उसको सक्सेसफुल्ली कंप्लीट करेंगे अपने कार्यों को। और कार्यों को कंप्लीट ही नहीं करेंगे प्रिय साथियों, कार्यों को जो कंप्लीट करेंगे ना उससे दूसरों की नज़रों में आएंगे आप और औरों के लिए एक एग्जाम्पल भी बनेंगे कि देखो वो व्यक्ति देखो कितना एफिशिएंटली अपने कार्य करता है और कितना बेहतरीन रिजल्ट ओरिएंटेड बनता है ये। इस प्रकार का आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, बहुत अच्छा योग बन रहा हुआ है। ऊपर से मंगल भी बैठे हैं यहाँ तो 27 जून तक रहेंगे ये मंगल, बहुत अच्छा राजयोग है। यानी कि कार्य क्षेत्र में भी उन्नति और कार्य क्षेत्र के साथ साथ शत्रु आपके आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। अगर हावी होने की कोशिश करेंगे तो मुंह की खाएंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामले हैं निपटा लीजिए, सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। कोई कानूनी मामला है, कोई फंसा हुआ है, बहुत अच्छा सुअवसर है आपके सामने, ये हम बताना चाह रहे हैं आपको मिथुन लग्न के जातकों को। और 27 जून तक का समय है ये आपके पास। अगर कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामला फंसा हुआ है तो जल्दी से जल्दी उसको कोशिश करें कि निपटाएं, वर्डिक्ट आपके फेवर में जाएगा। ये गुरु मंगल आपको कराएंगे फायदा इस फील्ड में। जहां तक इस बात का प्रश्न है सुख सुविधाओं का और इनकम की बात कर लें, इनकम आपको बहुत अच्छी होने जा रही है जून के महीने में। बहुत अच्छे आय के साधन रहेंगे, आय बहुत अच्छी रहेगी, इनकम बहुत अच्छी रहेगी। हो सकता है कोई, हो सकता है क्या, अगर ऐसा होने की बहुत अच्छी संभावना है तो कोई सरप्राइज नहीं है कि इनकम आपकी इंक्रीज हो जाए या आप व्यापार कर रहे हैं आपका लाभांश में वृद्धि हो जाए, आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाए, इस बात की बहुत अधिक संभावना है। अब सुख सुविधाओं की बात कर लें, सुख सुविधाएं तो आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। और इस 1 जून से 27 जून के बीच का जो ये समय है, इसमें यदि आप कोई प्रॉपर्टी आदि खरीदने की सोच रहे हैं, कोई प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है तो कर दीजिए उसको इम्प्लीमेंट 27 जून तक, 1 जून से 27 के बीच में। बहुत आसानी से प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, चाहे कोई प्लॉट खरीद रहे हैं या कोई फ्लैट खरीद रहे हैं या कोई जो भी आप अपनी क्षमता के अनुसार। यहां पर भी आपको पूरा ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस प्रकार की स्थिति आपकी रहने वाली है। बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के, कि प्रेम संबंधों को लेकर के ग्रह आपको कितना सपोर्ट करेंगे इस महीने जून में मिथुन लग्न के जातकों को या नहीं करेंगे। तो मैं आपसे प्रिय साथियों बताना चाहूंगा
कि आप मिथुन लगन के जो जातक हैं, अगर आपके पहले से रिलेशन हैं ठीक है, कोई बात नहीं, और अगर नहीं भी हैं और आपको कोई पसंद आ गया है, पसंद कर लिया है आपने और आप आगे स्टेप लेना चाहते हैं, तो आपको सक्सेस उसमें भी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और आपकी जो रिलेशनशिप पहले से चलती आ रही है, ये और ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ज़्यादा मजबूत होगी, ज़्यादा स्टेबल रहेगी, और एक दूसरे में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। और जहाँ तक विवाह की बात है कि भाई रिलेशनशिप तो हमारी चल रही है और अच्छी आप बता रहे हैं, चलिए ठीक है जून के महीने में, लेकिन क्या मैरिज भी हो पाएगी, कोई ऐसा योग है? देखिए, उसके लिए मैं आपसे 50-50% की बात कर रहा हूँ, 50-50% चांसेस हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा अधिक प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी, सफलता तभी मिलेगी। मैंने कहा 50-50% चांसेस। आगे बात करते हैं जो विवाहित महिला पुरुष हैं, उनका कैसा रहेगा। देखिए, आप जो विवाहित महिला पुरुष हैं, जो भी हैं, चाहे मेल्स हैं चाहे फीमेल्स हैं, सामान्य रूप से आपका वैवाहिक संबंध चलते रहेंगे, बीच बीच में यदा कदा कुछ कड़वाहट, कुछ खटास आ जाए तो आ जाए, अन्यथा कोई ऐसी बड़ी समस्या बीच में मुझे नहीं दिखती। सामान्य रूप से संबंध आपके बने रहेंगे, चलते रहेंगे वैवाहिक संबंध, कोई दिक्कत तकलीफ मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। और जो छात्र हैं, उनकी शिक्षा को लेकर के कैसा रहेगा ये महीना, भाई ये मिले जुले परिणामों की ओर इशारा कर रहा है। ग्रहों की युति जो है, थोड़ी सी लापरवाही आपके रिजल्ट्स को खराब कर सकती है। अगर आप परिश्रम करते रहे, पढ़ाई पर आपका फोकस बना रहा, तब तो जाकर के आपको मिले जुले परिणाम, मध्यम परिणाम जिनको कहा जाता है, इस जून के महीने में मिल पाएंगे। अब आपसे बात करते हैं कि जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं छात्र, स्टूडेंट्स, उनके लिए कैसा रहेगा। भाई उनको अगर अपने हिसाब से रिजल्ट चाहिए जैसा वो चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा उन्हें परिश्रम, जितना वो कर रहे हैं उसमें थोड़ा एफर्ट और ऐड करना पड़ेगा, तब आपको आपके मनमाफिक रिजल्ट मिल पाएंगे। अब बात कर लेते हैं संतान की ओर से कैसा रहेगा। देखिए, संतान की ओर से भी माता पिता को मिले जुले रिजल्ट्स की ही प्राप्ति होने जा रही है, जबकि माह के अंत में जाकर के, यानी कि 27 जून को जब मंगल राशि अपना परिवर्तन करेंगे, तब से ऑनवर्ड्स समस्याएं बनेंगी। संतान की ओर से माता पिता को टेंशन रहेगी, संतान को भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, और संतान जिस हिसाब से स्ट्रगल करेगी, हार्ड वर्क करेगी, उस हिसाब से रिजल्ट्स उनको नहीं मिल पाएंगे आने वाले समय में, यानी कि 27 जून ऑनवर्ड्स। तो कहने का भाव यह है कि 27 जून तक स्थिति मध्यम परिणामों वाली रहेगी संतान की ओर से। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य आपका A1 रहेगा 27 जून तक, 1 जून से लेके बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, लेकिन 27 जून के बाद स्वास्थ्य को लेकर के ही आपको सबसे ज्यादा अलर्ट रहना होगा, कॉशियस रहना है 27 जून ऑनवर्ड्स। हेल्थ को लेकर के बहुत प्रिकॉशंस रखनी पड़ेंगी आपको, मिथुन लगन के जातकों को। तो ये थी स्थिति मिथुन लगन के जातकों की, जो हमने अभी बताई, ग्रहों के कारण जो मिलने वाले परिणाम हैं। अब आपको बताना चाहेंगे कि क्या करें, कौन से ऐसे सरल और आसान उपाय करें जो ये परेशानियां भी जाती रहें, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हों, चाहे वो आपके खर्चों से रिलेटेड हों, या कोई भी चीज़ है, या इनकम आपको मिलती रहे। सबसे पहला उपाय, आप प्रिय साथियों, चंडिका स्तोत्र का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें। चंडिका स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करें, माँ चंडिका स्तोत्र, साथ में माँ सरस्वती की पूजा जरूर करते रहें पूरे महीने। बल्कि माँ सरस्वती जी की पूजा तो हमें, आपको बताएंगे, आगे भी करनी है। और एक हनुमान जी की पूजा रेगुलरली करें, पूरी श्रद्धा भाव के साथ करें हनुमान जी की पूजा। जितना अधिक हनुमान जी को प्रसन्न करेंगे, सरसों के तेल का प्रत्येक मंगलवार दीपक जलाएं,
वहाँ जा करके आप उनको मिष्ठान यानी कि बेसन के लड्डू और या फिर बूंदी जैसी चीज़ों से प्रसाद चढ़ाएं प्रभु के चरणों में, चोला चढ़ा सकते हैं। ऐसा आप काम करें, सिंदूर का चोला चढ़ाएं आप प्रत्येक मंगलवार, देखिए समस्याएं दूर तक भी नज़र नहीं आएंगी, जो होंगी वो भी भाग जाएंगी। ये उपाय आप करिए। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मिथुन लगन के जातकों का मासिक यानी कि मंथली राशिफल जून 2022 का। आपको पसंद आया है तो आप लाइक जरूर कर लें, साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसको शेयर करेंगे आप तो इससे दूसरे लोग भी लाभ ले पाएंगे। और यदि आप ये चाहते हैं कि हमारे आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ बनने हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, जो वीडियोज़ हम बनाते हैं वे भी आप तक पहुँचे और उनकी नोटिफिकेशन भी सीधी आप तक पहुँचे, तो फिर जो बेल आइकन आप ये देख रहे हैं इसको पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।